गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम आपका चैप्टर 7 नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा आगमन। अब इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम जो चैप्टर है इसके बारे में समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले आ रहा है मौसम। देखिए मौसम क्या होता है। मौसम होता है कि किसी भी जगह की जो परिस्थिति है वो बदलती रहती है किसी स्थान की। कोई भी स्थान हो उसकी क्या होती है परिस्थितियां बदलती रहती है। वायुमंडल के अनुसार से परिस्थितियां बदलती रहती है। कैसे? कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा आती है। तो ये क्या कहलाता है परिस्थिति का चेंज होना, किसी स्थान विशेष की परिस्थिति का चेंज होना क्या कहलाता है मौसम। ये होता है वेदर यानी मौसम। आगे हम बात कर रहे हैं इसमें जलवायु। अब जलवायु क्या होती है किसी स्थान विशेष के मौसम का लंबे समय तक बने रहना वहां की जलवायु कहलाती है यानी क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम दो चीजों से समझेंगे कि जैसे एक होता है डेजर्ट मरुस्थल आपका रेगिस्तान जो होता है डेजर्ट और दूसरा होता है पर्वतीय क्षेत्र। तो दोनों का क्लाइमेट क्या है अलग अलग है। जलवायु वहां दोनों की अलग है। जैसे कि हम मरुस्थल की बात करते हैं डेजर्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है पानी का अभाव होता है और गर्मी बनी रहती है दिन गर्म होते हैं रातें ठंडी होती है। और अगर हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र की तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो पर्वत क्या होता है ऊंचाई पे होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज होता जाता है टेम्परेचर कम होता है इसलिए पर्वतीय क्षेत्र वहां पर ठंड ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ठंड ज्यादा होती है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। ठंड ज्यादा होती है तो वहां की जलवायु कैसे होती है ठंडी होती है। तो लंबे समय तक किसी स्थान विशेष की जो मौसम है अगर लंबे समय तक स्थिर रहता है तो वहां की जलवायु तो अडेप्टेशन है बच्चों की किसी स्थान विशेष के अंदर वहां के जीवों के रहने के अनुरूप उनमें नए नए परिवर्तन होते हैं यानी जो उसको वहां पे रहने के लिए योग्य बनाते हैं उस कंडीशन में रहने के लिए योग्य बनाते हैं किसी भी जीव में यानी हम पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों की ही बात करें तो दोनों में ही किस विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो कि उन्हें उस स्थान पर रहने के योग्य बनाती हैं वो कहलाता है अनुकूलन यानी जलवायु के अनुरूप अनुकूलन यानी जैसे वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जैसे वहां की जलवायु होती है उसी के अनुसार उनमें कुछ ऐसी विशेष संरचनाएं होती है जो कि उन्हें इस स्थान पर रहने के योग्य बनाती है तो वो कहलाता है अनुकूलन। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब अनुकूलन की जब हम बात कर रहे हैं जलवायु की जैसे कि हम डेजर्ट की बात कर रहे थे बच्चों तो डेजर्ट यानी मरुस्थल के अंदर जो जीव रहते हैं चाहे वो हम पेड़ पौधों की बात करें या जीवों की बात करें जंतुओं की बात करें तो दोनों में ही कुछ स्पेशल कंडीशन होती है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं संरचनाएं होती है जो कि उन्हें उस परिस्थिति में रहने के योग्य बनाती है। अगर हम पौधे की बात करें डेजर्ट के अंदर तो जहां पे हमने देखा होगा कैक्टस का प्लांट जो कि कहां उगता है मरुस्थल में उगता है मरुस्थल में पाया जाता है इसे हम कहते हैं नागफनी का पौधा कैक्टस प्लांट। अब इसमें से क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि उसे उस स्थान पर उस जगह पर रहने के योग्य बना रहे हैं क्या क्या होता है उसके अंदर देखिए बच्चों कैक्टस का जो पौधा होता है जिसमें जो इसका तना होता है वो मांसल होता है और मोटा होता है। इसमें पत्तियों का अभाव होता है जो पत्तियां हैं वो शूल यानी स्पाइन्स कांटों में बदल जाती है। कैक्टस में जो कांटे होते हैं स्पाइन होते हैं वो क्या होती है बेसिकली पत्तियां होती हैं और पत्तियां किसमें रूपांतरित हो गई वो शूल क्यों होती है ये मॉडिफाइड क्यों हुआ इसकी संरचना क्यों हुई क्योंकि पत्तियों से ज्यादा वाटर लॉस होता है जल की हानि ज्यादा होती है और मरुस्थल में डेजर्ट में जो पानी होता है वह लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है कम पाया जाता है तो उनको उसी अवस्था में ग्रो करना होता है। तो इसी ग्रो करने के कारण जो नागफनी का जो पौधा होता है उसमें जो पत्तियां होती है लीव्स होती है वो शूल में बदल
जाती है, शुद्ध में रूपांतरित हो जाती है। ओके, तो इससे वाटर लॉस क्या हो जाता है, कम होता है। दूसरी, इनकी जड़ें गहरी होती हैं, तो आसानी से क्या होता है, ये पानी जो चाहिए होता है ले लेती है। इनका तना मांसल होता है, मोटा होता है, और इसके तने के ऊपर एक मोमी वैक्सी लेयर लगी हुई होती है। उस वैक्सी लेयर के कारण क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। वाटर लॉस कम होता है तो उसमें पानी की क्या होता है, जरूरत कम होती है, पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, और कम पानी में भी ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। फिर हमने बात करी कि डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनमें अनुकूलन कैसा होता है, एडेप्टेशन कैसा होता है, कैसी कौन सी कंडीशन है जो उन्हें उस ऐसी कंडीशन में भी ज्यादा गर्मी, दिन में तो ज्यादा गर्मी होती है, ओके, उसमें भी रहने की योग्य इनको बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जंतुओं की, वहां पे जो जंतु पाए जाते हैं उनमें भी जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, वो कैसा होता है, कैसे वो उस परिस्थिति में भी, विशेष परिस्थिति में भी रहने के योग्य होते हैं, अपने आप को योग्य बना लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डेजर्ट है, डेजर्ट में केवल मिट्टी मिट्टी ज्यादा होती है, और मिट्टी का जैसे हमें पता है दिन के समय हीट आती है, सनसन हीट जो आती है सनलाइट, उससे क्या होता है तेज गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी से जो मिट्टी है वो जल्दी गर्म हो जाती है। मिट्टी में एक गुण होता है बच्चों, मिट्टी जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। ओके, इसलिए जो डेजर्ट है इसमें दिन तो क्या होते हैं, गर्म होते हैं, क्योंकि मिट्टी जल्दी से हीट को अब्सॉर्ब करती है और जल्दी गर्म होती है, और रात जैसे होती है, जैसे सनलाइट जाती है, सूर्यास्त होता है, वैसे क्या होता है वो हीट है वो फटाफट से क्या हो जाती है, ठंडी होती, तेजी से ठंडी होती है। तो रात तो क्या होती है, ठंडी होती है, लेकिन दिन क्या होते हैं, गर्म होते हैं। इसी गर्मी से बचने के लिए वहां के जो जीव होते हैं उनमें वैसा ही गुण पाया जाता है। अब क्या पाया जाता है, देखिए दिन में तो क्या होता है, जैसे कि आप सांप या चूहों की बात कर रहे हैं, जो विलचर प्राणी है जो बिलों में रहते हैं, तो क्या करते हैं, दिन की तेज गर्मी को सहन करने के लिए प्राणी दिन में अपने बिल में ही रहते हैं। तो दिन में ही अपना शिकार या अपने भोजन को नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि गर्मी अत्यधिक होती है, तो दिन में ही अपने बिलों में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है तो वैसे ही क्या करते हैं, ये बिलों से बाहर निकल के अपने भोजन को, शिकार को ढूंढते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये अनुकूलन पाया जाता है, एडेप्टेशन। सेकंड हम बात करते हैं कैमल यानी ऊंट। ऊंट को तो आपने सुना ही होगा कि ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि उसे उस स्थान उस कंडीशन में रहने के योग्य बनाती है। ऊंट में क्या करता है, ये कई दिनों का पानी एक साथ करके अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। तो बहुत दिनों तक एक बार पानी पीने के बाद में कई दिनों तक इसे पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो स्टोर वाटर होता है उसे ही यह अपने लिए यूज करता है और आसानी से उसमें कंडीशन में रह सकता है। दूसरे, इसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, गद्दीदार होते हैं, ताकि वो जो हीट होती है, गर्म जो होता है, उसको आसानी से सहन कर लेते हैं। दूसरा, इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, तो जो बॉडी है वो नीचे जो डेजर्ट होता है उसकी गर्मी से थोड़ी ऊपर रहती है, दूर रहती है। सेकंड, इनमें क्या होता है, स्वेट एंड पसीना बहुत कम आता है, लिमिटेड मात्रा में आता है। यूरिन ये कम सीक्रेट करते हैं, यूरिन कम करते हैं ताकि वाटर लॉस बॉडी से बहुत कम हो। और दूसरा, जो इनका मल होता है वो भी क्या होता है, शुष्क होता है, सूखा होता है, इसमें भी वाटर की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस तरह से इनकी जो बॉडी है इसमें से जल है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है, और कम मात्रा में निकलता है तो ये उस जल को बहुत दिनों तक चला सकते हैं, यानी बिना पानी के ये बहुत दिनों तक उसमें डेजर्ट में रह सकता है, मरुस्थल में रह सकता है। तो ये सब कंडीशन क्या कर रही है उनको, उस स्थान पर रहने के योग्य बनाती है। सेकंड, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों की, पर्वतीय क्षेत्र में भी अनुकूलन कैसे पाया जाता है, वहाँ के जीव जंतुओं में, वहाँ के पौधों में अनुकूलन कैसा पाया जाता है, तो आपने अधिकतर कहीं गए होंगे पर्वतीय क्षेत्र में, हिल स्टेशन पे आप गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा जितने भी ट्री होते हैं तो वो बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। और दूसरा, शंकु के आकार के होते हैं, जिसे कौन शेप होता है, कौन शेप के ट्री होते हैं, यानी क्या होता है, वहां पे अधिकतर बर्फबारी होती है, जैसे सर्दियां विंटर आती है तो वहां पे क्या होता है, बर्फबारी होती है, और बर्फ अगर उनके पौधों पे टिकेगी, पत्तियों पे टिकेगी, तो वो गलने का उनका खतरा रहता है। लेकिन उनकी शेप ही ऐसी होती है, दूसरी होती है
निडल की जैसी, सुई की जैसी उनकी पत्तियों की शेप होती है जो कि नीचे झुकी हुई होती है। तो जैसे कि बर्फ या वाटर इनके ऊपर जाता है तो उससे ये स्लोप करके फिसल करके नीचे चले जाते हैं, यानी अपने ऊपर ये पहनने नहीं देती है जो कि उन्हें उस कंडीशन एडवर्स कंडीशन प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहने के योग्य बनाता है। इसी तरह के वहां के जो जानवर होते हैं बच्चों, तो उनपे क्या होता है, जैसे हम याक की बात करते हैं तो याक के शरीर पे क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, उनकी जो पूरी बॉडी है वो फर से बालों से कवर रहती है, और फर और बालों से जब कवर रहती है तो वो क्या करते हैं उनके शरीर को हीट प्रदान करते हैं, हीट रहती है उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं, गर्म रखने से ही वो उस कंडीशन में भी रहने के लिए अपने आप को अनुकूल बनाते हैं। उनकी जो स्किन है, स्किन नीचे एक लिपिड वसा की जो होती है परत जमी हुई होती है, वो भी क्या करती है उनको उस ठंड से बचने का कार्य करती है, ठंड से उनकी रक्षा करती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो उनमें वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनमें पाई जाती है, उनको अनुकूल बनाती है, वहाँ की जलवायु के अनुरूप ही उनको जंतुओं को रहने के अनुकूल बनाती है। ओके, अब हम बात करते हैं मौसम की, तो क्या होता है। देखो हमारी जो यूनिवर्स है, अंतरिक्ष में केवल एक ही ग्रह है, वो है हमारा पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, जो कि जो उसके पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी उस पर जीवन संभव है। केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, क्योंकि पृथ्वी में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो कि वहां के जीव जंतुओं को रहने के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, श्वसन के लिए गैस जो होती है वो उपलब्ध कराता है, भोजन है, श्वसन है, रहने का स्थान है। ओके, तो ये सब चीजें क्या करता है, वो उपलब्ध करा रहा है उसे रहने के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पर निर्भर रहता है। अब पृथ्वी है तो इसके ऊपर भी क्या होता है, यहाँ पे तापमान अलग होता है, आर्द्रता होती है, वायुवेग है, ये सब क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी वो इन चीजों पर ये पृथ्वी जो मौसम है वहां पर जो रहने के लिए पृथ्वी पर अनुकूल होता है। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 24 आवर्स के लिए क्या करती है, रोटेट करती है, घूर्णन करती है। तो हम पहले एक चीज एक लाइन हम लिख लेते हैं कि पृथ्वी केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ओके, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी जीवों के लिए, हम सारे जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे दो हम देखते हैं यहां पर पेड़ पौधे और जंतु, जितने पेड़ पौधे और जंतु हैं उनके लिए प्रति जीवों के लिए भोजन, वायु, रहने का स्थान, आदि उपलब्ध कराता है। ओके, अब हम बात कर रहे थे, जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है, 24 आवर्स रोटेट करती है, घूर्णन करती है। 24 आवर्स इसीलिए क्या बनता है, हमारे 12 घंटे का दिन बनता है, 12 घंटे की रात बनती है। क्यों बनती है वो हम बताते हैं, हम बात करते हैं कि इसके अलावा क्या करती है, सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाती है, चक्कर। एक तो वो अपने ही अक्ष पर रोटेट करती है और साथ साथ में रोटेट करते करते भी सूर्य के चारों ओर भी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी का जो फेस रोटेट करते समय जब वो सूरज के सामने रहता है तो वहां क्या होता है, जो सनरेज है वो पृथ्वी पर गिरती है तो वहां पे क्या होता है, डे यानी दिन होता है। और जैसे ही वो पृथ्वी के सूरज के सामने से जब पृथ्वी सूरज की किरणों के विपरीत दिशा में जो पार होता है पृथ्वी का, वहां पर क्या होती है, रात। इसलिए क्या होता है हमारे पास में, दिन
और रात 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की जो रात होती है, अंधेरा होता है, सूर्यास्त होता है, उसके बाद में वो इस तरह से संपन्न होता है। अब इसके अलावा पृथ्वी के जो 7 ग्रह हैं वो भी सूरज के चारों ओर रोटेट करते हैं, उसमें होते हैं, लेकिन केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि पृथ्वी होती है जीव जंतुओं के लिए ये सब सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो हम बात करते हैं आगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमन करती है और टाइम कितना लगता है इसमें 24 आवर्स। ओके 24 आवर्स यानी 24 घंटे लगते हैं इसको अपने ही अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में। इसे कितना टाइम लगता है 24 आवर्स यानी 24 घंटे और 24 घंटे का हमारा एक दिन होता है, एक डे होता है यानी। और इसके अलावा क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी चारों तरफ क्या करती है, घूमती है और इसमें से लगता है 1 ईयर, एक साल का समय लगता है। तो दो बातें हमने सीखी, एक तो पहले की पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, घूर्णन क्रिया करती है, तो इसमें इसे लगते हैं 24 आवर्स और 24 आवर्स में ही मैंने बताया जब जिसका जो सूर्य के चारों तरफ हम बात करते हैं दूसरे सेकंड पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगाती है। मैंने बताया जैसे तो अपने अक्ष पर और पृथ्वी के सूरज के चारों ओर पृथ्वी क्या लगा रही है, परिक्रमा लगा रही है, जो अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है उसमें लगते हैं 24 आवर्स। और सेकंड है जब वह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें से लगता है 1 ईयर यानी 365 डेज का समय लगता है। इस समय पता है 365 दिन होते हैं, केवल लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। ओके तो 365 डेज के अंदर वो अपना एक कंप्लीट जो रोटेशन है वो पूरा करती है, किसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ। जब सूर्य के चार जिस जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है और सूर्य के जो बैक साइड में जो प्रतिपत्त है वहां भी क्या होती है, रात। ओके तो इसी के अनुसार क्या होता है, हमारा मौसम भी चेंज होता रहता है। अब सेकंड हम बात करेंगे कि पृथ्वी की सूर्य से पर्याप्त दूरी होती है, पर्याप्त दूरी होती है, पृथ्वी है वो सूरज से पर्याप्त दूरी पर होता है। अगर ज्यादा पास ही होता तो सन रेडिएशन ज्यादा होती है तो क्या होता है, हीट ज्यादा होता, लेकिन सूर्य की पृथ्वी की सूर्य से दूरी है वह पर्याप्त है। तो जो सन रेडिएशन है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, अब क्या होते हैं हम देखते हैं। एक तो क्या होता है, पृथ्वी उसका तापमान रहते क्या होता है, निश्चित होता है। कितना होता है पृथ्वी का तापमान, सभी का जो तापमान टेम्परेचर है, टेम्परेचर निश्चित होता है, निश्चित होता है। औसत कितना होता है, हम औसत के लिए एवरेज की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड इतना इसका टेम्परेचर होता है। लेकिन कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं सर्दी हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है, तो वो टेम्परेचर डिपेंड करता है जो संतेज है उसका गिरना कि कितने समय तक वो उस स्थान पर रहता है। ओके इसके अलावा क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वायुमंडल में हमें पता है गैसों की परत होती है, परत होती है ना, परिचालन कर वायुमंडल में क्या होता है, गैसों की परत होती है, गैसें विद्यमान होती हैं। अब इस गैस के अंदर हमें पता है कि CO2 और दूसरा जल वाष्प को एक लेयर बनाती है, वो लेयर क्या करता है, सूरज से आने वाली किरणों से यानी गर्मी से हमारी जो पृथ्वी पर है पानी से रोकता है यानी टेम्परेचर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है कि जो अर्थ है पृथ्वी है उसका टेम्परेचर निश्चित रहे। मैं आपको उतार लिया होगा तो मैं एक बार नेक्स्ट हम और देख लेते हैं इसमें।
यहाँ देखिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तो हमें बताया था कि कत्ती की दूरी क्या होती है, पर्याप्त होती है, और कत्ती का जो औसत तापमान है निश्चित होता है, हमने माना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात कर रहे हैं कि कत्ती पर क्या होता है, कत्ती के वायुमंडल में जल जल वाष्प और CO2 जो गैस होती है, इनकी एक गैस की परत बनी होती है, यानी वायुमंडल में जल वाष्प व गैस की परत होती है, यानी लेयर होती है, परत होती है जो होती है, जो कि सन रेज, जो कि सूर्य की किरणें, या फिर हम कह सकते हैं इसको सन रेज से, सन रेज से सुरक्षा करती है पृथ्वी की, पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओके, यानी वायुमंडल में क्या होता है, जलवाष्प गैस की परत होती है, जो भी क्या कर रही है वायुमंडल की जो पृथ्वी की सुरक्षा कर रही है सन रेज से। एक दूसरा आपने सुना होगा, एक पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत होती है, जो ओजोन परत है बच्चों, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से, इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, यानी ओजोन परत है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को वो पृथ्वी पर आने से रोकता है, यानी ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है पराबैंगनी किरणें हैं, इनमें भी बहुत ज्यादा होती है, अगर ये डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आई तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, गर्मी बहुत तेज होगी क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज है, और इन अल्ट्रावायलेट रेज को जो हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर है, ओजोन की जो परत है, वो इनको डायरेक्ट हमारी जो पृथ्वी है इस पर आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो हमारी जो गर्मी है, हमें जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी जो पृथ्वी पर उसकी सुरक्षा होती है जीव जंतुओं, अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे आ जाएंगी, डायरेक्ट आएंगी, तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, क्योंकि गर्मी बहुत तेज हो जाएगी और इन्हीं पर रोकती है। तो हमने इतना पढ़ा, अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं बच्चों, अब आते हैं हम मौसम पे। वैसे हमने मैंने बताया मौसम तो क्या है, जो चेंज बाय हर स्थिति के अनुसार मौसम क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो उसी को हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं। इसे आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, उतार लिया होगा आपने, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अगर हमें मौसम को डिफाइन करना होगा कि मौसम क्या होता है बच्चों, तो हम देख सकते हैं मौसम किसी स्थान, किसी स्थान पर तापमान, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा व वायु वेग, वायु वेग आदि के, आदि के संदर्भ, आदि के संदर्भ में, आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति द्वारा, आदि के संदर्भ में
वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति द्वारा उस स्थान पर किसी भी स्थान पर तापमान आर्द्रता वर्षा का वायु वेग आदि में वायुमंडल की परिस्थिति के द्वारा स्थान का मौसम कहलाता है। उस स्थान पर परिस्थिति में परिवर्तन मौसम कहलाता है। या सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान का चेंज होना, बदलना, समय के साथ किसी भी स्थान का मौसम का बदलना क्या कहलाता है। परिस्थिति का चेंज होना क्या कहलाता है? मौसम। किसी भी स्थान की परिस्थिति का चेंज होना समय के साथ क्या कहलाता है? मौसम। अगर हम इसके डेफिनेशन दिखाएं, किसी स्थान पर तापमान टेम्परेचर का ऊपर या नीचे कम या ज्यादा होना, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी पानी का जो ह्यूमिडिटी होता है उसका कम या ज्यादा होना, वर्षा रेन का पानी का ज्यादा आना या कम आना, वर्षा का ज्यादा होना या कम होना, या वायु वेग यानी एयर कितनी स्पीड से बह रही है, आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन द्वारा उस स्थान पर परिस्थिति में परिवर्तन, ठीक है ना, कि प्रतिदिन उस स्थान पर क्या परिवर्तन हो रहा है उसको ही क्या कहलाएंगे हम, मौसम कहलाता है। तापमान आर्द्रता या अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। अगर हम घटक कहते हैं सारे क्या है, ये मौसम के घटक। हम कह सकते हैं तापमान आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वर्षा वे वायु वेग मौसम के घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौसम के घटक कहलाते हैं। यहाँ बताइए, आज के साथ में हम बात करते हैं कि मौसम की जो सामान्य सूचना है, क्योंकि अधिकतर हम क्या होता है, कहीं भी अगर हमें जाना हो तो हम पहले देते हैं कि वहां का मौसम कैसा है, तो हम वेदर कॉल का, जबकि मौसम की पूर्व में जानकारी हमें देते हैं, तो हम जैसे पेपर में आता है कि आज उस स्थान का टेम्परेचर कैसा रहेगा, पहले हम जान लेते ना, तो हम पहले कहीं जाना होता है तो हम देखते हैं कि स्थान की गर्मी ज्यादा हो रही है, सर्दी ज्यादा हो रही है, बारिश की संभावना ज्यादा है, तो ये क्या होता है, जो मौसम की जानकारी है हम किसे करते हैं, न्यूज़पेपर या फिर टीवी जो टेलीविजन है के द्वारा क्या होती है, मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर या टीवी के द्वारा इसकी जानकारी हो जाती है, यानी मौसम का तापमान है वह न्यूनतम या फिर अधिकतम तापमान या फिर हम बात कर रहे हैं आर्द्रता आदि की जानकारी हमें न्यूज के द्वारा यानी जो न्यूज पेपर है उसके द्वारा हमें मिल जाती है। इसके अलावा है सूर्यास्त या सूर्योदय का समय भी हमें डेली पेपर हम देखते हैं तो उसमें हमें लिखा हुआ होता है कि आज सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, चंद्रोदय यानी चंद्रमा कितने बजे आएगा, चंद्रमा जो वो कितने बजे वापिस होगा, तो ये सब जानकारी हमें जो पेपर है न्यूज पेपर में डेली निकलती है। जैसे हम बात करते हैं सूर्योदय व सूर्यास्त का समय
इसके अलावा क्या होता है, चंद्रमा का निकलना या छिपना, या छिपना, ये डेली हमें मिलता है न्यूज़पेपर से। वो पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि आज कितने बजे सूर्योदय होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, कितने बजे चंद्रमा निकलेगा, कितने बजे चंद्रमा, तो हमें डेली हमें मौसम की जानकारी हमें मिल जाती है न्यूज़पेपर या टीवी के माध्यम से। ओके, आप तापमान का मापन अधिकतम या न्यूनतम तापमापी द्वारा किया जाता है। आप तापमान का अधिकतम या न्यूनतम हमें कैसे बदलता है, ये होता है अधिकतम या न्यूनतम तापमापी है, अधिकतम या फिर न्यूनतम तापमापी, तापमापी द्वारा तापमान को देखा जाता है कि अधिकतम में न्यूनतम तापमान कितना होगा, वो भी हमें मौसम की जानकारी के अनुरूप मिल जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें दिन का अधिकतम तापमान होगा, जैसे हमें पता है यहीं पे मेरी एक क्लाइंट है, वो और कहते हैं क्या दिन का अधिकतम तापमान कब होता है, दिन का अधिकतम तापमान अपराह्न यानी 12 बजे के बाद, अपराह्न के समय पर तापमान न्यूनतम तापमान कब होता है, संध्या टाइम यानी रात्रि के समय, जब शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होना कम होना स्टार्ट कर देता है, और रात्रि के समय जो न्यूनतम तापमान है वो होता है। तो हमने पढ़ा अभी मौसम के बारे में, हमें जानकारी दी, इसके अलावा जब लेनी है जानकारी हमें जलवायु वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेकिन जितना मैंने पढ़ाया और समझाया इसे आप अपनी बुक रीडिंग करेंगे और अपने नोट्स पढ़ेंगे, उसके अनुरूप आप इसको समझेंगे। इसके आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा कल उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।